Good morning, students. I am Ruksar Azhar from the Mariam High Secondary School. As you all know, students, हम जो है chapter 3 input devices and CPU जो है पढ़ रहे थे. Continue करते हैं इसी chapter को. हमने यहाँ पर मैंने आपको एक keyboard के बारे में बताया था. Okay, अब हम इसको आगे continue करते हैं input devices में. ये तो कीबोर्ड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड माउस. हम माउस जो है इज़ यूज टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मोनिटर. इट यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन थिंग्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. इट कैन ऑल्सो हैव टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. माउस से आप देखते कंप्यूटर से यहाँ पे शेप माउस की हम इस्तेमाल करते हैं. कोई भी पॉइंट, कोई भी कर्सर कहीं रखना हो पिक्चर्स पे या प्ले पे, कोई भी सिलेक्ट करना हो तो हम माउस के थ्रू करते हैं. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. एक स्कैनर है, ये भी एक एग्जांपल है. ये सब इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस की एग्जांपल से तो हम कुछ भी टेक्स्ट करते हैं, स्कैन्स करते हैं, कोई भी जैसे कि फोटोग्राफ्स वगैरह हो कंप्यूटर में हम सेव करना हो या कुछ भी चीज़ चेंज करनी हो तो हम अपने कंप्यूटर में भी वर्क जो है क्या कर सकते हैं, उसका डाटा सेव कर सकते हैं. तो हम एंटर करते हैं अपना डाटा जो हमारे पास भी रहता है और वो कंप्यूटर में सेव भी हो जाता है. जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक जो होती है कोई भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं. इन कंप्यूटर सिस्टम में ये कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है जॉयस्टिक. कोई भी मूवमेंट करनी हो या स्क्रीन पे हम यहाँ से एंटर करते हैं. ये एक इनपुट डिवाइस है कि हम बाहर से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं बट ये वर्क जो है अंदर से हम एंटर देते हैं कंप्यूटर में और ये हमें वापस फीडबैक देता है. ओके, ऐसे ही वेब कैमरा है. वेब कैमरा जो है पिक्चर्स को कैप्चर करता है, डाटा जो एंटर लेता है. वीडियो गेम्स एंड आउटसाइड एंड इनपुट देम इनटू कंप्यूटर. वी कैन सी लाइव टू ईच अदर. हम एक दूसरे को लाइव दे सकते हैं थ्रू वेब कैमरा से. वीडियो इमेजेस वगैरह हो सकती है. ये वेब कैमरा है. माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज समटाइम्स कॉल मिक और माइक. आप देख सकते हैं जैसे कि माइक्रोफोन आपने देखा होगा यूज़ होते हैं स्पीचेस वगैरह में, वॉइस में रिकॉर्ड वॉइस करते हैं साउंड. इन ये सारे जो है सिस्टम सब एक कंप्यूटर सिस्टम से ऐड हैं जो आजकल बहुत यूज़ भी होते हैं और बहुत यूज़ किए भी जाते हैं. आप देखेंगे जैसे माउस, स्कैनर, बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं सब. जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब हम यूज़ करते हैं एंड बहुत यूज़ होंगे इन द कमिंग टाइम. ओके, ये सब इनपुट डिवाइसेस की क्या है एग्जाम्पल से. यहाँ पे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ टीचर नो सब मोर इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस बहुत एग्जाम्पल्स इनपुट डिवाइसेस की जहाँ पे इन्होंने दिए हुई थी कुछ पिक्चर्स और हमने इनको फिल किया है. ग्राफिक टेबलेट, लाइट पैन, कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइसेस है. ओके, ऐसे इनपुट डिवाइसेस है. फिर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जो बहुत बहुत जितना भी प्रोसेस जितना भी वर्क चल रहा होता है सब क्या होता है सारे अंडर द कंट्रोल होता है CPU के. जिसमें हम कैलकुलेशंस जो भी करते हैं वो सारा CPU से ट्रांसफ़र होके जाता है. जो भी हम अपना डाटा स्टोर्स करेंगे, हम अपने कंप्यूटर में वर्क करेंगे, वो सब जो है प्रोसेस कंट्रोल करता है. ओनली एक CPU है जो भी कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसीलिए हम जो CPU को जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं. सो इट्स रिमेंबर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, द CPU हैज़ थ्री मेन पार्ट. यह हमें रिमेंबर CPU जो है वो थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड है. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, इनपुट आप देख सकते हैं इनपुट एरो लगा के CPU कैसे काम करता है. मेमोरी यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट से जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक में यूनिट में आएगा, उसके बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है. सो जो CPU है मेन है. कोई भी इनपुट हमारे पास डाटा है वो सारा प्रोसेस सारा कंट्रोल एक CPU करता है. CPU के बाद वो एक आउटपुट में कंट्रोल होता है. ओके, थैंक यू. हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे.